चंद्रपुर वालों, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बेशर्मी की हद देखिए। और मैंने तो सुना है यहां तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहां माएं बहने बैठी हैं। अपने भाषणों में जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिसे यहां बोला भी नहीं जा सकता, जिस व्यक्ति को भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मर्यादा का भान ना हो ऐसा व्यक्ति आपका खासदार कैसे बन सकता है। क्या मेरे दोनों भतीजे बैठे हैं मानस और पार्थ, जिन्होंने अपने सर से पिता के साये को खो दिया है, किसी भाजपा के नेता में यह साहस कैसे आ गया कि वो ये कहे कि प्रतिभा ताई के आंसू तो झूठे आंसू हैं? अरे आंसू का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या समझेंगे जब उन्हें हाथरस की बिटिया के आंसू समझ में नहीं आए, जब उन्हें उन्नाव की बिटिया के आंसू समझ में नहीं आए, जब उन्हें जंतर मंतर पर बैठी हुई ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के आंसू समझ में नहीं आए, तो उन्हें चंद्रपुर की बहू और चंद्रपुर की बेटियों के आंसू कैसे समझ में आएंगे। मैंने सुना है कल्चरल मिनिस्टर है आपके कैंडिडेट भाजपा के, जिसके पास सांस्कृतिक मंत्रालय हो उसकी इतनी अमर्यादित भाषा, मुझे हैरत है। अब जब वो कहीं इस तरह की बात बोलते हुए नजर आए तो उनसे कहिएगा कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। सुधीर जी, राजनीति में इस तरह की भाषा नहीं चलती है, और अगर आप ऐसी भाषा बोलेंगे तो चंद्रपुर की एक एक बहन बेटी, चंद्रपुर की माएं, चंद्रपुर के बेटे, चंद्रपुर के बुजुर्ग अपने वोट से आपकी इस अमर्यादित भाषा का जवाब देंगे। किसी तरह बचते बचाते मैं किनारे पे आ गया, मुझको बुलाने वालों की तो उम्र चली गई, अरे चंद्रपुर वालों मैं तो तुम्हारे इशारे पे आ गया। बस मैं आप इमरान प्रतापगढ़ जी को गुजारिश करता हूं आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। यहां मौजूद जिलाध्यक्ष और आपके आमदार सुभाष धोटे जी, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, महाराष्ट्र के प्रभारी अहमद खान साहब, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र वोरा जी, प्रोफेसर बलबीर साहब, मुजीब पठान जी, रामू तिवारी जी, राजू जी, सुनील मुसले जी, और आज के इस कार्यक्रम को सजाने वाले सुहेल रजा साहब, एम कुरैशी साहब, पहली बार आपके बीच में आया हूं। पिछले दिनों एक बार आया था तो बहुत दर्द में डूब के आया था, जब आपके चहेते सांसद बालू भाई आपके बीच में नहीं रहे थे तो मैं परिवार को सांत्वना देने के लिए आया था, आप सबसे मिल नहीं सका था उस दौरान। आज फिर जब मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहन को यानी कि ताई को मेरी जरूरत है तो मैं बिना बुलाए आज आ गया, क्योंकि मेरा फर्ज था, मेरा दायित्व था। चंद्रपुर वालों, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। चंद्रपुर वालों, 19 तारीख को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ चंद्रपुर के भविष्य का फैसला करना है बल्कि भारत के भविष्य का भी फैसला करना है। एक तरफ वो सरकार है जिसने 10 साल में इस देश को जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो आपकी आवाज बन के कन्याकुमारी से कश्मीर तक कभी पैदल चलते हैं तो कभी मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा लेकर के निकलते हैं आपकी पीड़ा को समझने के लिए, आपके दर्द को समझने के लिए। मैं आपके बीच में खड़ा हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी तादाद में यहां माएं बहने बैठी हैं, इस तरफ युवा नौजवान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। मैं 10 मिनट आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि सुबह मुझे जम्मू कश्मीर पहुंचना है, वहां की जनसभा में पहुंचना है, तो जल्दी फ्लाइट पकड़नी है वरना दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा। रात हरिद्वार में था, लगातार सफर करता हुआ
नागपुर पहुंचा और फिर अब आपके बीच आया हूं। साथियों, यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ लोकसभा का चुनाव है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। यहां राष्ट्रवादी के भी कार्यकर्ता बैठे हैं, शिवसेना के भी कार्यकर्ता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी साथी बैठे हैं। मैं सबका स्वागत करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि यह चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव है तो नहीं, यह सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है। अभी कल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 2 दिन पहले आपके सामने से गई है और आपने उसे सेलिब्रेट किया है, उन्हें याद किया है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को याद किया है। मैं चंद्रपुर में खड़ा होकर के, महाराष्ट्र में खड़ा होकर के यह कह रहा हूं कि पिछले 20 दिन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान उठा के देखिए, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, एक बात समान सुनाई पड़ेगी आपको कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। कौन कह रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं। वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सपनों से, अपने पसीने से लिखा, जिस संविधान में महात्मा गांधी के उसूल जिंदा है, जो संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू की बौद्धिकता और कौमी यकजहती को रखता है सामने, जो आईन मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, उस संविधान को, उस आईन को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और सिर्फ बदलना नहीं चाहती, इसका ऐलान कर रही है और इस नाम पर वोट मांग रही है। बेशर्मी की हद देखिए। और मैंने तो सुना है यहां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहां माएं बहनें बैठी हैं, अपने भाषणों में जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिसे यहां बोला भी नहीं जा सकता, जिस व्यक्ति को भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मर्यादा का भान न हो, ऐसा व्यक्ति आपका खासदार कैसे बन सकता है? जिसे भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा ना पता हो। मैं बालू भाई से 2-3 बार दिल्ली में मिला था और जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहां से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया तो बालू भाई प्रतिभा ताई के साथ मुंबई आए थे चुनाव के दौरान, और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हें वोट दे रही है। सुभाष भाई ने भी वोट दिया था। चंद्रपुर का मेरे ऊपर एहसान है कि अगर आज मैं राज्यसभा में बैठा हूं तो 2 वोट यहां से मुझे मिले थे, तब मैं चुन करके राज्यसभा में हूं। वो बालू भाई की एक बात, और जिस दिन बालू भाई के बारे में हम सबको ये समाचार मिला कि वो नहीं रहे, तो मैं सीधे भाग के घर आया सिर्फ उस बहन का हालचाल लेने के लिए, उस बहन की पीड़ा में उसके साथ खड़े होने के लिए। यहां मेरे दोनों भतीजे बैठे हैं, मानस और पार्थ, जिन्होंने अपने सर से पिता के साये को खो दिया है। चंद्रपुर वालों, मैं बहुत दूर से आपके बीच में आया हूं, आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी बालू भाई की चिता की राख जो है वो अभी ठंडी नहीं हुई है। किसी भाजपा के नेता में यह साहस कैसे आ गया कि वो ये कहे कि प्रतिभा ताई के आंसू तो झूठे आंसू हैं, वो आंसू के नाम पे वोट मांग रही है। ये भाजपा का प्रत्याशी कहता है कि वो आंसू के नाम पे वोट मांग रही है। अरे आंसू का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या समझेंगे जब उन्हें हाथरस की बिटिया के आंसू समझ में नहीं आए, जब उन्हें उन्नाव की बिटिया के आंसू समझ में नहीं आए, जब उन्हें जंतर मंतर पर बैठी हुई ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के आंसू समझ में नहीं आए, तो उन्हें चंद्रपुर की बहू और चंद्रपुर की बेटियों के आंसू कैसे समझ में आएंगे? भाजपा के नेताओं, आप आंसू की बात ना करिए, आपको प्रतिभा ताई के आंसू झूठे लगते हैं? अरे हमने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी को झूठे आंसू बहाते देखा है। भावुक हो जाते हैं बात बात पे,
अदाकारी तो कमाल की है, अमिताभ बच्चन भी पीछे छूट जाए ऐसी अदाकारी करते हैं साहब। जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई थी तो एक भाषण देते हुए जब नरेंद्र मोदी जी भावुक हुए और बिल्कुल ऐसा लगा कि अब आंसू बहा देंगे, तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब लग रहा है आज बहुत भावुक हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी, आप क्या कहेंगे? तब मैंने कहा भाई मैं क्या कहूंगा, मैं तो शायर हूं, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। आंसुओं का व्यापार करने वाले लोग, आंसुओं के नाम की राजनीति करने वाले लोग, भावनाओं को बेचने वाले लोग, किसी बहन के सच्चे आंसुओं की कीमत क्या समझेंगे? मैं तो यहां खड़ा होकर के आपके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुधीर जी, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है, मैं गंगा और जमुना दो जो पवित्र नदियां हैं उनके घाट पर बैठ करके कविताएं लिखता रहा हूं। सुधीर जी अगर आप में साहस है तो आप प्रतिभाताई के आंसुओं की जांच करा लीजिए, गंगा जल जैसे पवित्र आंसू हैं ये जिनका आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। चंद्रपुर वालों आप उनके भाषण सुन रहे हैं इन दिनों, उन्हें बोलने दीजिए, लोकतंत्र में हर अमर्यादित भाषा का जवाब वोट से दिया जाता है। 19 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए और जब ईवीएम की लाइनों में खड़े होइए पोलिंग बूथ पर, तो यह सोच के जाइए कि आपका दिया हुआ एक एक वोट सिर्फ प्रतिभाताई को नहीं मिलेगा, ऊपर कहीं बालू धानोरकर साहब की आत्मा आपकी तरफ उस दिन निहार रही होगी कि आप उनके अपने रिश्ते का मोल कैसे चुका रहे हैं। मैं बहुत भावुक होकर के आपसे यह बात कह रहा हूं और उस दिन आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ प्रतिभाताई को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, आपका दिया गया एक एक वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा, और आपका दिया गया एक एक वोट प्रतिभा दाई के छोटे भाई इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर एहसान होगा। मैं इसलिए आपके सामने अपना दामन फैलाने के लिए आया हूं। ये जो मेरी नई नस्लें खड़ी हैं, नए नौजवान साथी खड़े हैं, आपसे तो ये कह रहा हूं, आपके पास तो सोशल मीडिया की ताकत है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर आप लिखते पढ़ते हैं बोलते हैं। मैंने सुना है कल्चरल मिनिस्टर हैं आपके कैंडिडेट भाजपा के, जिसके पास सांस्कृतिक मंत्रालय हो उसकी इतनी अमर्यादित भाषा, मुझे हैरत है। अब जब वो कहीं इस तरह की बात बोलते हुए नजर आए तो उनसे कहिएगा कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। सुधीर जी राजनीति में इस तरह की भाषा नहीं चलती है, और अगर आप ऐसी भाषा बोलेंगे तो चंद्रपुर की एक एक बहन बेटी, चंद्रपुर की माएं, चंद्रपुर के बेटे, चंद्रपुर के बुजुर्ग अपने वोट से आपकी इस अमर्यादित भाषा का जवाब देंगे। मेरे भाई अगर यह लगता है कि यह चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव है तो नहीं, ये चुनाव इस बार भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए आपको 19 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलना है, और यह जो हवा बनाई जा रही है ना देश में, जो नैरेटिव टीवी चैनलों के माध्यम से बनाया जा रहा है सब झूठा है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। जुमले दे रहे हैं मोदी साहब।
बार एक आंकड़ा बता रहे हैं कि इतनी सीटें। एक आंकड़ा तो उन्होंने 10 साल पहले भी बताया था 15 लाख वाला, बिल्कुल उसी तरह का जुमला है ये। जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे ये भी जुमला है। और महाराष्ट्र वालों, आपसे तो मैं और निवेदन करता हूं और गुजारिश करता हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का काम किया और महाविकास अघाड़ी की चलती हुई सरकार को जिस तरह से तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, कई कई खोखे देकर के विधायक खरीदे, ऐसे में तो 19 तारीख को आपको लोकतंत्र के लुटेरों से लोकतंत्र लूटने का बदला भी लेना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भाजपा के लोग आएंगे आपसे झूठ बोलेंगे, मंत्री जी भी आपसे अमर्यादित भाषा नहीं बोलेंगे बल्कि झूठे वादे भी करेंगे, बताएंगे कि हमने ये विकास किया। वो भाजपा के एक मंत्री एक गांव में पहुंचे, गांव के लोगों को इकट्ठा किया, बोले पास आओ, हम तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहते हैं, बताओ तुम्हारी समस्याएं क्या है। तो गांव वाले सीधे साधे थे आप लोगों की तरह, उन्होंने कहा साहब हमारी दो समस्या है, दो दिक्कतें हैं गांव में। तो मंत्री जी ने कहा बताओ क्या। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। तो मंत्री जी ने अपना फोन निकाला, नंबर मिलाया और लगे किसी को डांटने कि इस गांव में कल तक एक टेम्परेरी हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए। डांट बांट के जब फोन उन्होंने मोबाइल रख दिया तो फिर गांव वालों से कहा कि मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, अपनी दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वाले आपकी तरह भोले थे, उन्होंने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। यह है भाजपाइयों का झूठ, यह झूठ है इनका। और माओ बहनों, आपसे तो मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जब सुबह किचन में जा करके खाना बनाना शुरू करती हैं और कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए जब सरसों का या जो भी रसोई का तेल है वो डालती हैं तो उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो 70 रुपए लीटर था वो आज 200 रुपए के पार पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार चला गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले भाजपा सरकार के लोग कफन पे आपसे जीएसटी ले रहे हैं। कफन पे, चिता की लकड़ी पर महंगाई आ गई। अगर आपको लगता है कि ये जनता का भला करने वाले लोग हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये चंद उद्योगपतियों के साथी हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। 700 किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे बैठे शहीद हो गए, 700 किसान। उनके रास्ते में कटीले तार, नुकीले कीले, पानी की बौछार और लाठियां दी गई उनको। लेकिन अब कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को MSP देंगे। और सबसे ज्यादा तो खुश हमारी महिलाओं को होना चाहिए कि कांग्रेस क्या कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए हर साल अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा। ये बहुत कमाल की घोषणा है। और नौजवान साथियों, कांग्रेस आपसे भी कह रही है कि आते ही 30 लाख रोजगार तुरंत आपको दिया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी। और वो साथी जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं उनको 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस इसमें यह भी कह रही है कि वो महिला गरीब है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमसे कोई मतलब नहीं, वो भारत की नागरिक है और गरीब है तो उसके खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए हर साल। एक तरफ मोदी जी हैं, उनके भाषण सुनिए, भाजपाइयों के भाषण सुनिए और राहुल गांधी के भाषण सुनिए। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री जी चाय की बात करते हैं, राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, तो आपको यह समझना है कि आपको क्या फैसला करना है। मैंने कहा ना, मैं आपसे बहुत दूर से मिलने के लिए आया हूं, लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय हूं, बतौर शायर भी आप मुझे जानते पहचानते हैं, और मेरा सौभाग्य यह है कि राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का भी सौभाग्य और खुशनसीबी मुझे प्राप्त है। मैं इसलिए प्रतिभाताई के लिए अपना दामन फैला करके आपसे वोट की अपील करने आया हूं। और यहां जो हमारे अकलियत के साथी बैठे हैं, माइनॉरिटीज बैठे हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता, इसलिए इस बार बहुत समझदारी से घरों से बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, इंडिया अलायंस के साथियों को वोट दीजिए। मैं परसों केरल में था, कल उत्तराखंड में था, कल कश्मीर में रहूंगा, परसों बिहार जाऊंगा, पूरे देश की तरफ से महाराष्ट्र वालों आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरे देश में जहां भी जा रहा हूं एक नारा चल रहा है कि साउथ में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। 180 का आंकड़ा नहीं पार करने जा रही है भाजपा, कह रहे हैं अमृतकाल। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ कैसा अमृतकाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल। इधर जो साथी बैठे हैं बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में बैठे हूं, मुझे लगना चाहिए कि ये चंद्रपुर है जिसके किस्से बालू भाई मुझे आईसीसी में बैठ कर सुनाया करते थे। इधर जो लोग खड़े हैं वो कहते थे कि जो हमारे यहाँ के नौजवान है इमरान भाई, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, वो हमसे अक्सर कहते थे कि इमरान भाई चुनाव से पहले कार्यक्रम करेंगे तो उसमें आपको बुलाएंगे, चंद्रपुर वालों से मिलाएंगे। लेकिन कभी कभी नसीब जो है, तकदीर जो है, किस्मत जो है, वो अलग तरह से कुछ लिखती रहती है। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। एक अलग सी टीस है उनको लेकर के, लेकिन मैं उनसे जो सुनता था ना कि नौजवान बड़े जज्बे वाले हैं, बड़ा जोश है, बड़े हौसले वाले हैं, तो वो मुझे दिखाई भी पड़ना चाहिए। मैं आपके बीच में खड़ा हूं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। चंद्रपुर वालों, भाजप कह रही है ना हम अमृत काल लाए हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल, कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, काल तुम्हारा कैसा अमृत काल, के जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी, तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है, हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है, हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है। चंदे के धंधे से तुम तो इलेक्टोरल बॉन्ड याद है ना, के चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, तुम्हारा कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। और अंतिम पंक्तियां सुनना कि फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी,
फिल्म टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी, सांसों पे है पाबंदी और मन पे है जीएसटी, के महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है। नजर उठाओ तुमसे देश ये सारा पूछ रहा है, तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। और चंद्रपुर वालों, अब आपकी तालियां दिल्ली तक जाए, मुंबई तक जाए, कि कब तक कहकर बचोगे इसमें, कब तक कहकर बचोगे इसमें, है नेहरू की चाल तुम्हारा कैसा अमृतकाल, बताओ कैसा अमृतकाल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल। मां बहनों याद है ना, 2013 में उनका नारा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है ना वो नारा। और उस नारे की सच्चाई क्या निकल के आई कि भारत में कौन सा सामान ऐसा नहीं है रोजमर्रा की जिंदगी का जो महंगा ना हो गया। और अब जब चैनलों पे बैठ के मोदी जी कहते हैं कि हम जो है देश के गरीबों को अमीर बनाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, तब मेरा मन करता है मैं उनसे कहूं कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। ये कहते थे कि राहुल गांधी शहजादे हैं, राजकुमार हैं, लेकिन चंद्रपुर में खड़ा होकर मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप जिसे शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, नजर उठा के देखो वही राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में चलता रहा, करोड़ों लोगों को गले लगाता रहा और एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। वो नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मैं उनके साथ चल रहा था जब मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल जी के साथ चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे। तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चल रहा था उनके साथ। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप जिसे शहजादा कहते थे वो एक टी शर्ट में एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता रहा, लेकिन आप खुद को फकीर कहते थे, आपने 10 लाख रुपए का सूट पहना, मोबाडो की घड़ी पहनी, मोबाडो का चश्मा पहना और 8.5 करोड़ के जहाज में कभी दुनिया के इस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में घूमते रहे। अब देश फैसला करेगा कि कौन शहजादा है और कौन फकीर है, किसे भारत की जनता से प्यार है और किसे उद्योगपति दोस्तों से प्यार है। कि आने वाले दिनों में देश को तय करना है, वो आपको मुद्दों से भटाएंगे, मुद्दों से बरगलाएंगे, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यूनान के बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। याद रखना मेरी इस बात को, जो मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, कि जब सिकंदर ने यूनान फतेह किया, जीता, तो शहर की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर है जो सो रहा है चादर ओढ़ के बेफिक्र। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास जाकर के उसे जोर की लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ईश्वर की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत ऐसे व्यक्ति को सौंप दी है जो लात मारता है। याद करना आपको महंगाई की लात पड़ी है या नहीं पड़ी है। बिल्कुल पड़ी है। याद करना माए बहने, जब नोटबंदी हुई थी तो आपने अपने आंचल में जो 10-10, 20-20, 100-100, 200-500 के नोट छुपा करके परिवार में रखे थे कि कभी मुसीबत में काम आ
वो भी निकाल करके बैंक में जमा करवा लिया कि नहीं करवा लिया। जो आटे के गुल्लक में, आटे के डब्बे में परिवार से, पति से बचा करके अपनी बचत का पैसा आप सबने रखा था, उसको भी जमा करवा लिया। नोटबंदी की लात मारी थी या नहीं मारी थी? नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा था प्रधानमंत्री जी का। और उस नारे की सच्चाई ये रही कि जंतर मंतर पर ओलंपिक लाने वाली बेटियां रोती रहीं, चीखती रहीं, अपना मेडल लेके प्रधानमंत्री की चौखट पर गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि उस अपराधी के साथ खड़े हुए जिनके लिए ये बेटियां इंसाफ मांगने गई थी। तो चंद्रपुर वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस बार सवाल पूछिए, और इस बार तो चंद्रपुर की अस्मिता का चुनाव है। एक तरफ वो खड़े हैं जो ये कहते हैं कि भाई बहन के रिश्ते और ऐसा और वैसा, अमर्यादित भाषा, और एक तरफ चंद्रपुर की बेटी, चंद्रपुर की बहू आपके सामने अपना दामन फैला करके, आंचल फैला करके कह रही है कि मैं अपनी पति की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उन्होंने जो काम अधूरे छोड़े हैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, मैं अपने दो बेटों को लेकर के आपके सामने खड़ी हूँ, आपकी सेवा करूंगी, मुझे समर्थन दीजिए, मुझे वोट दीजिए। तो फिर आपको तय करना है कि एक अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने वाले नेता का साथ देना है, फिर या एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहू का साथ देना है जिसकी आंख में आंसू हैं और वो आंसू बहुत सच्चे हैं, क्योंकि उसके कंधे पर पूरे चंद्रपुर की जो लोकसभा है उसकी विरासत का बोझ है, वो उस बोझ को निभाना चाहती है। चंद्रपुर वालों, समय बहुत कम है, मुझे वापस जाना है, अभी नागपुर पहुंचना है, फ्लाइट पकड़ना है, लेकिन मैं आपसे इतना अनुरोध कर रहा हूं कि मैं सिर्फ यहां पर एक नेता की हैसियत से नहीं खड़ा हूं, एक भाई की हैसियत से भी अपनी बहन के लिए वोट मांगने आया हूं। और साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि आपका खासदार भी हूं, राज्यसभा का सांसद हूं महाराष्ट्र से, तो आप मेरी बात पर विश्वास करिए, मेरी बात पर आमीन कहिए, मेरी बात का समर्थन करिए। आप प्रतिभा ताई को जिता करके लोकसभा में भेजिए, वो लोकसभा में बैठेंगी, और उनका दूसरा भाई राज्यसभा में बैठेगा, वो लोकसभा में बैठ के आपके लिए आवाज उठाएंगी, मैं राज्यसभा में बैठ के लिए आपके लिए आवाज उठाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके एक भी मुद्दे पर हम चुप नहीं रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जाते जाते आपको एक नज्म सुना करके जाता हूं।